एक बचपन का बहुत एक्सपीरियंस था एसिड अटैक वाला. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, जब हम सेवेंथ क्लास में थे तो उसने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया. किसी को कुछ पता नहीं था, बस पूरे एक छोटे कस्बे में खबर फैली हुई थी किसी लड़की के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया. मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी फ्रेंड की सिस्टर हैं. बहुत दिनों बाद, करीब 15-20 दिनों के बाद में उसके घर से कोई आता है और मुझे बोलते हैं कि आप अपनी नोटबुक दे दीजिए, उसको अपना होमवर्क करना है क्योंकि वो स्कूल नहीं आ सकती, उसकी सिस्टर के ऊपर किसी ने एसिड अटैक किया है. करीब 90s की बात होगी. और तब उतना पेन का एहसास भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ. और ऑलमोस्ट लाइक करीब 15-20 साल के बाद मैं नीना बाजी से मिली. पहली बार देख के मुझे थोड़ा सा डर लगा और ऐसा लगा कि इतनी खूबसूरत थी ये, सब लोग उनको इतना प्यार भी करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई. और तब से लेके आज तक उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की कि वो एसिड अटैकर था कौन. और शायद उनके अंदर बहुत सारे पेन हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते. आज भी हम उनसे मिलते हैं, बहुत खुशी से मिलते हैं, और डर भी अभी पहले के जैसा नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक तरह से गुमनाम कर लिया है. वो किसी से ज़्यादा मिलती नहीं है सिवाय रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के. तो उनकी शायद कुछ इमोशंस मैं लिख पाई या कोशिश कर पाई, बट मुझे नहीं लगता मैं सब चीज़ें उनकी यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगी. मैंने कुछ उनके लिए ही लिखा है. ये दाग मेरे चेहरे और बदन पे नहीं, तुम्हारी उस नापाक मोहब्बत और जज्बातों पे हैं. जाने अनजाने तुम्हें जो सही लगते हैं, तुम गलत नहीं हो, ये मैंने अब जाना है. तुम तो पैदाइश हो उस संस्कार और उस माँ बाप की और इस समाज की, जिसने बिना किसी बात पे खुद का जहर उगलना सिखा दिया. मेरे इस बिगड़े चेहरे पे तुम सब मत जाओ, मेरा दिल अभी जिंदा और खूबसूरत है. तोड़ने की कोशिशें तुम्हारी नाकाम हो गई, अब किसको कितने तेजाब से और जलाओगे. जाओ खरीद लो दुनिया भर का तेजाब और जलाओ उसको, वो सोच जो तुमने विरासत में इकट्ठी की है, वो सोच जो तुम्हें विरासत में मिली है. किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के बाप भी होगे. हर रात रूह कांपेगी तुम्हारी और दिल डरेगा, और मैंने सुना है कि ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है. बट अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी. डरेंगे वो सब बच्चे जो तुम्हारे घर में होंगे, और वो खरीदने वाले और बेचने वाले भी. किसी को एक बार धमकाया था, डराया था, और आखिर में उसकी रूह को जलाया था. मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, पर खुद को तुम ना माफ कर पाओगे. ना तुम्हारी बहन, ना बेटी, और ना ही तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी माफ करेगी. हर दिन तुम्हें मेरी याद दिलाएगी. मैं वही हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास. फिर तुम दिल ही दिल में सोचोगे और गिड़गिड़ाओगे, अपनी बेटी, माँ और बहन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच पाओगे, काश ये बिके भी नहीं और कभी फिके भी नहीं. और इसी में कुछ और भी मैंने लिखा था कि कैसे हम लोग जो सारी लड़कियां और एक औरत समाज, कैसे हम लोग उसकी परसेप्शन में जीते हैं और कैसे एक दूसरे को हम लोग ट्रीट करते हैं. मैं मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझे कुछ अलग ही आईना दिखाया गया था. मैं सांवली थी. माँ बोलती थी तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है, बस लाइट कलर छोड़ दो. मेरा सवाल उठा, सब अच्छा लगता है तो फिर लाइट कलर क्यों छोड़ दूं? चाची बोली तुम्हारी शादी होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो मन में आया कि क्या यही मेरी डेस्टिनी है, शादी करना. सांवले रंग ने इतना कुछ कर दिया था. अरे देखो तुम सब में, हम तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है. ये सब बोल के मेरे सारे कजन मुझ पर हंस रहे थे, तो मैंने रोते हुए खुद का मन बड़ा तो कर लिया, पर वो चोट कहीं मेरे दिल पे बहुत गहरी लगी थी. ये क्या तुमने आंटियों वाली बिंदी लगा के घूमना शुरू कर दिया है, मेरे दोस्त ने कहा. मेरे मन का सवाल,
बिंदी तो त्रिनेत्री का प्रतीक होती है भाई, तुमने कब से ही आंटी का सिंबल बना दिया? ये तुम बाल डाई क्यों नहीं करती हो? ये तुम्हारा पेट निकला चला जा रहा है, ये कैसे पैमाने तुमने सेट कर दिए मेरे लिए, मैं खुद सोच के हैरान हूं। ये लिपस्टिक इतनी ब्राइट क्यों है, एकदम प्रोस्टिट्यूट लग रही हो। मेरी एक दोस्त, मेरी जो महिला मित्र थी, उसने मुझसे पूछा तो मेरा एक ही सवाल था, बहन कितनी प्रोस्टिट्यूट से जाके मिलती हो तुम हर रोज, और अगर मैंने लिपस्टिक का कलर वो लगा भी लिया तो क्या ही बुराई है इसके अंदर? ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाना कोई अपराध नहीं है, और वो भी एक औरत है तो मुझे भी उतना ही हक बनता जितना उसको ये ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाने का बनता है। ये तुमने गजरे क्यों लगाए हैं, किसी की शादी में जा रही हो क्या? या साड़ी क्यों पहनी है, शादी के बाद पहनी जाती है क्या? मेरा शादीशुदा ना होना मुझे साड़ी नहीं पहनने देगा? ऐसे ही सवाल और उनके कई जवाब मुझे मेरी आसपास की औरतों ने दिए और सोचने पे मजबूर किया। मैंने बस इतना सीखा, मुझे सच्ची औरत बनना है और दूसरों को बनने भी देना है। सजी सवरी चूड़ियों बिंदियों झुमकी वाली गजरे वाली साड़ी वाली और हर वो काम करने वाली जिसमें उसे औरतपन का एहसास हो, मैं दूसरी औरतों को औरत बनने देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक और मेरी पोयम है, इट्स रिलेटेड टू एक्चुअली जस्ट होल्ड ऑन, हो गई है, गिव मी 5 मिनट्स। बहुत बार हमसे कोशिश की जाती है या हमको जताया जाता है कि महान बन जाओ, बहुत सहनशील बन जाओ, ब्रेव बन जाओ, थोड़ा सा आपको मजबूत बनना पड़ेगा क्योंकि आप औरत हो या कुछ भी। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, मैंने कई बार देखा है कि मेल के अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी होती है, तो उनके लिए भी बहुत बार उनको बोला जाता है कि आप मेल हो तो स्ट्रांग बन जाओ। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, ये मेल्स के लिए भी डेडिकेटेड है क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी को मैं ये डेडिकेट कर रही हूँ। मैं धरा के जैसी हूँ, मजबूत हूँ, है ढेरों खनिज भी मुझ में, ज्वालामुखी सा गुस्सा भी, गंगा की शीतलता भी, हाँ मैं जानती हूँ शक्तिमान होना मेरा मूल रूप है, पर मुझे मजबूत ना बनना है, दिखना नहीं है, होने का दिखावा नहीं करना है। क्या मेरे सृजन करने की क्रिया में मैं अकेली खड़ी होती हूँ? मुझे सूरज मेरा बाप भी चाहिए, बादल मेरा भाई भी चाहिए, और सतरंगी इंद्रधनुष सा अपना पति भी चाहिए, वो दोस्त जो बारिश की बूंदों के जैसे भिगो दे मुझे। मैं सामर्थ्य की परिभाषा तो हूँ पर प्रकृति के नियमों पर चलती हूँ। मेरी बहनें हवाओं सी, मेरी माँ पेड़ों की छाव सी, हाँ मुझे दिखावा नहीं करना है, खुद धरा भी टूटती है जब उस पर आपदा आती है, गंगा के जैसे बांध तोड़ती है, मैं कभी तो भूकंप से कपकपाती भी है। कितना सरल है धरा को स्वीकार करना, फिर क्यों खलता है तुम्हें मेरा ऐसे हारना? हाँ मैं धरा हूँ, मजबूत भी स्थिर भी, जब पुरानी फसल कटती है तो समय देते हो ना नई फसल जमने के लिए, मुझसे क्यों इतनी उम्मीद और आशाएं तुमने लगा के रखी हैं? मुझे समय दो, साथ दो, दुलार दो, थपकी दो, चुंबन दो, भर लो कभी बाहों में, टूटने भी दो, रोने भी दो, क्योंकि जब धूप मिलेगी तो मैं निखर जाऊंगी, जब बारिश गिरेगी तो मैं फिर से खिल जाऊंगी, मन सरोबार होगा इंद्रधनुषी रंगों से, हाँ मैं धरा हूँ, मुझे दिखावा नहीं करना। थैंक यू सो मच।